ये जा रहे झाजरा लेने बाजरा मोदी के लिए। अभी भी अंडा दिया है इन्होंने, देखिए आज पता नहीं क्या हुआ, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ऐसा। ड्राई शावर करा रहे हैं, सुबह सुबह पॉपी जी नाश्ता बनाती हुई रोटियां बना रही है। हेलो गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह ठंड बहुत है लेकिन क्या करें, उठना पड़ता है नाश्ता बनाने के लिए। ये आ गई है देखिए बेली, बहुत ही चंचल, बहुत ही चंचल है ये, गोल गोल घूमती रहती है। गाइस ये देखिए, ये है मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ, अभी अभी अंडा दिया है इन्होंने। अभी भी अंडा दिया, अंडा जब देती है मुर्गियाँ तो ऐसी आवाज करती है, ये एक अलार्म है, जैसी मुर्गियाँ ऐसी चिल्लाए तो दो टाइप मतलब दो कारणों से चिल्लाती है, या तो उसने अंडा दिया हो या फिर कोई दूसरा जानवर आ गया हो तो इन्हें डर लगता है तब चिल्लाती हैं। देखिए गाइस ये मेरी वाइट वाली जो मुर्गी है, देखिए आज पता नहीं क्या हुआ, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ऐसा, इसको अंडा दिया और इसके देखिए क्या हो गया, इसका फर्स्ट टाइम देखा है मैंने ऐसा। कमेंट करके बताइए गाइस ये क्या चीज़ है। मेरी मम्मी कह रही है नॉर्मल होता है अंडे के साथ, जब अंडा निकलता है प्रेशर से बाहर तो कभी कभी मांस जो होता है वो भी बाहर निकल जाता है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद खुद ही अंदर चले जाता है। आपको मैं अंडे दिखाता हूँ गाइस, देखिए ये देखिए, ये देखिए दो अंडे पड़े हैं, सुबह भी दो अंडे थे, दिन के तीन चार अंडे, कभी पांच कभी चार निकल जाते हैं। पॉपी बैठी है यहाँ पर धूप की मजे लेती हुई बैली के साथ। हाँ शावर नहीं कराना कैसे है, बाद में कब, आज ठंड बहुत है, बैली को नहलाना है, लेकिन सोच रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं पानी से ना नहला के इसे ड्राई शावर कराते हैं। गर्म पानी से ना, एक प्रोडक्ट आता है जो इसके ऊपर स्प्रे करके इसे साफ कर दो तो उसका डर्ट जर्म्स सब निकाल देता है, तो आज सोच रहे हैं वही वाला शावर करें इसका। बेली यहाँ दिखाओ बेली को, है ना शावर करेगी ना, आज नहाएगी ना, बहुत गंदी हो गई है बहुत दिन से ऐसी है ये, इसको आज शावर कराते हैं। यहाँ देखो बेली, ये देखिए खर्राटे बहुत मारती है ये, अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता ये, लेकिन पग जो ब्रीड होती है वो खर्राटे बहुत मारती है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ मुर्गियों के लिए बाजरा लेने के लिए, क्योंकि रात के लिए इनको जो खाना देना है शाम को मुझे, तो बाजरा भी थोड़ा कम है। ये जा रहे हैं झाजरा लेने बाजरा मुर्गी के लिए। झाजरा इस जगह का नाम है जहाँ बाजरा मिलता है, शायर है ये है। तो गाइस आज इसका हम ड्राई शावर करा रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत हो गई है, तो बिना पानी के एक आता है कंपनी का प्रोडक्ट, ये हमने हिमालय का लिया है फ्रेश कोल्ड नाम से, स्प्रे करना है और बस पोंछते रहना है, तो इससे क्या होता है कि जर्म्स और जितना भी डर्ट है इसके बालों में और बदन में वो निकल जाता है। तो पॉपी आज इसको नहला रही है ड्राई शावर, चलो भाई शुरू करो, आँख में मत डाल देना कहीं, पता नहीं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं हम। पहले उतना एरिया तो पूछो, खुशबू आ रही है, शावर की बहुत जरूरत थी गाइस इसे, लेकिन ठंड में आपको पता ही है इतनी खतरनाक ठंड है, जैसे आपने पहले पिछले ब्लॉग में भी देखा था हमारे,
तो इसको निलाना सही नहीं लग रहा है हमें पानी से, कहीं बीमार हो जाए, छोटी है भी, तो इसलिए फिर ये हम जो केमिस्ट वाला होता है उसने दिया है ये हमें कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये एक प्रकार का ड्राई शावर, मज़ा आ रहा है लिखो है बिल्कुल बच्चे की तरह है गाइस, ये इतनी प्यारी है, सुगंध बहुत अच्छे से इसको, सुगंध खुशबू सही तो है, खुशबू तो होनी चाहिए, कोई खेले भी डोगी के साथ तो खुशबू तो आए कम से कम, है ना। मुंह भी बोल दो उसके किसी से, इसको ना हल्का हल्का कपड़े को गीला करके ना, इसके ये नहीं है नाक के नीचे जा, दिन नहीं कोशिश करके देखो, इसको नाक बहुत सेंसिटिव होती है यार, ऐसे गैप में ही गंदी। ये रिंकल्स जैसा नहीं है, वो उड़ जाता है, लंबा खींचना मुंह बोल दे। सुंदर बसाई थे तो कत्ती सुंदर, परफ्यूम भेगी, हाँ तो परफ्यूम भेगी, सुन तला परफ्यूम बसाई हो गया, हाँ तो ये देखिए दो तीन मिनट ही लगे होंगे इसको निलाने में, परफ्यूम बसाई है वो भी, कैसा लगा नीला के, बहुत ही बढ़िया, खुशबू कैसी है, खुशबू भी अच्छी है, परफ्यूम बसाई चाहिए ये था, चलो कपड़ा लगाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज का व्लॉग इतना ही, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आज बेली भी खुश हो गई है नहा के ड्राई शावर लेके। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, ये हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, इस चैनल में थोड़ा और काम करने के लिए। तो गाइस मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।